नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं आने वाले वीक में कौन से लेवल अपने मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, डाउ जोन्स में और कितनी गिरावट हो सकती है या फिर यहीं से डाउ जोन्स ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी होगा, प्लस कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें आ सकता है ब्रेकआउट या फिर कहां से करने की चाहिए खरीदारी, इन सारे लेवल्स को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद तो लाइक और कर देना चैनल को सब्सक्राइब। तो सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं जहां पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंडेक्स के बारे में, जहां पे बैंक निफ्टी और निफ्टी को कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर जो कि एक अच्छे खासे कैंडिडेट लग रहे हैं ब्रेकआउट के या फिर ब्रेकडाउन के। तो सबसे पहले आते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर और बात करते हैं उसके लेवल्स के बारे में। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो निफ्टी ने लास्ट जब मुहूर्त ट्रेडिंग था उसमें एक अच्छा खासा गैप अप देखने को मिला, जो पिछला हाई था जो कि अपने को फ्राइडे को थर्सडे को जो क्लोजिंग देखने को मिली थी वहीं के आसपास से, हाई के आसपास से दोबारा से यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली और क्लोजिंग की बात करते हैं तो 24,304 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक बहुत अच्छा खासा हर्डल जो चार्ट पर नजर आता है वो होने वाला है 24,450 से लेकर 24,500 का लेवल, जो कि जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना करे मुझे लगता है पोजिशनली बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा ट्रैप यहां से देखने को मिल सकता है। अगर 24,500 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो अपने को शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जो कि सीधा 24,580 और 24,600 या फिर 24,700 के ऊपर तक के लेवल दिखा सकते हैं निफ्टी। लेकिन जब तक 24,450 को सस्टेन ना करे अपने को खरीदारी के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर यहां से आती है बिकवाली तो डाउनसाइड में अपने जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो होने वाले हैं 24,170 से लेकर 24,050 के लेवल देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है अगर इसने 23,900 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया तो मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा करेक्शन अपने को देखने को मिल जाएगा, जो कि सीधा इसको लेके आ सकता है 23,500। उसके बाद देखेंगे तो 23,300 से लेकर 23,200 के लेवल दिखा सकता है, मतलब नीचे कुछ भी आसपास अपने पास सपोर्ट नजर नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी मार्केट में एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके अगर स्टॉप लॉस होता भी है तो स्टॉप लॉस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट यहां से जब इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट करेगी एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा। और ये जो क्रैश आपने देखा है कुछ भी नहीं है, इससे बहुत बड़ा क्रैश अपने को देखने को मिलेगा। और आसपास अगर मैं बात करता हूं निफ्टी अगर यहां नहीं संभलती है 23,200 के आसपास तो अपने को यहां पे बड़े आराम से 21,800 से लेकर 21,300 के भी लोअर लेवल देखने को मिल जाएंगे। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, ऐसा चार्ट मुझे बता रहा है, ऐसी मेरी स्टडी मुझे यहां पे बताती हुई दिख रही है, इस चलते मैं अपने वीडियो के थ्रू आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात करते हैं मंडे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अपने लिए। मंडे के लिए अगर मैं बात करता हूं तो प्रॉपर अपने पास यही रेजिस्टेंस निकल के आता है। अगर मैं रेजिस्टेंस पे यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस अभी के अकॉर्डिंग जो निकल के आते हैं वो होने वाले हैं वही 24,440 से लेकर 24,500 का जो लेवल होगा वो पहला रेजिस्टेंस होगा। बात करेंगे नीचे सपोर्ट की बात, तो अगर मैं सपोर्ट के लिए यहाँ पे देखता हूं तो सपोर्ट में इस तरीके से मार्क करके चल सकता हूं। एक सपोर्ट थोड़ा सा बड़ा सपोर्ट होने वाला है, क्योंकि अगर ये टूटा तो मार्केट में और भी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो 24,200 से लेकर 24,050 का जो एक लेवल निकल के आता है वो निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन जहां पर निफ्टी ने 24,050 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट किया एक अच्छे खासे डाउनफॉल के लिए निफ्टी रेडी होती हुई नजर आ सकती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर 24,500 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रही है तब क्या करना है। तब भी अपने को थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके ही जाना है, ना कि एग्रेसिव होकर, क्योंकि ऊपर अच्छे खासे रेजिस्टेंस दिखते हैं। और मैं अगर अगले रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो वही निकल के आता है सीधा 24,550 से लेकर 24,700 का लेवल। और उसके ऊपर अगर निफ्टी आगे जाती है तो अपने को 24,820 से लेकर 24,950 के आसपास का जो लेवल है वो तीसरा रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। इन सारे लेवल्स को फॉलो करके चल सकते हैं। अगर आपने उनको लंबे टाइम से फॉलो किया है तो आपको याद होगा कि लेवल्स कितने अच्छे वर्क करते हुए दिख रहे हैं। अब आते हैं सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और बात करते हैं उसके लेवल्स के बारे में। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं कंपेयर करने की कोशिश करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को। तो यहां पे मुझे साफ साफ ये झलकता हुआ दिख रहा है कि निफ्टी अभी बैंक निफ्टी के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर है, और निफ्टी में जो अभी उस तरीके से सेलिंग देखने को नहीं मिल रही वो सिर्फ बैंक निफ्टी की वजह से, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी पूरी तरीके से बेरिश नहीं हुआ है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर इसने फिर से 51,000 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की और क्लोजिंग यहां पे होते हुए दिख रही, मतलब बैक टू बैक दो दिनों की क्लोजिंग अगर 51,000 के नीचे होते हुए दिख सकती है बैंक निफ्टी के अंदर, तो आने वाले टाइम में इंडियन मार्केट में एक और भी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल जाएगा, जहां पे हो सकता है डाउ जोन्स भी थोड़ा सा सपोर्ट करता हुआ दिख जाए बियर मार्केट के अंदर। बात करेंगे बैंक निफ्टी की तो क्लोजिंग देखने को मिली है अपने को 51,670 के आसपास। अब बात करते हैं इसके लिए रेजिस्टेंस क्या हो सकता है।
आने वाले वीक के लिए जो एक अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो होगा 52,350 से लेकर 52,570 का जो लेवल है वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। बात करेंगे सपोर्ट लेवल की तो वो निकल के आता है 51,000 का लेवल। जब तक 51,000 का लेवल कायम है अपने को पूरी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही बैंक निफ्टी में 51,000 का लेवल टूट के ब्रेक होकर सस्टेन करना स्टार्ट कर जाएगा तो एक अच्छा खासा करेक्शन के साइन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे अपने पूरे इंडेक्स के अंदर। अब बात करने वाले हैं अपने कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं, मतलब मंडे के लिए। अब मैं अगर सपोर्ट लेवल की यहाँ पे बात करता हूँ तो सपोर्ट लेवल जो मुझे अभी के अकॉर्डिंग नजर आते हैं वो होने वाले हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे करेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। तो अभी के अकॉर्डिंग जो मुझे यहाँ पे सपोर्ट नजर आते हैं बैंक निफ्टी के अंदर वो चार्ट के मुझे दिख रहे हैं सीधा 51,420 से लेकर 51,120 का लेवल, मतलब जो 300 पॉइंट का रेंज होने वाला है एक अच्छा खासा अपने पास सपोर्ट का काम कर सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। अब बात करते हैं अगर ये टूटा, मतलब 51,000 का लेवल अगर टूटा तब क्या निकल के आता है। अगर 51,000 का लेवल टूटता है तो अपने पास जो अगला सपोर्ट नजर आता है वो सीधा होगा 50,580 से लेकर 50,320 का लेवल, जो कि अच्छा खासा सपोर्ट होगा और एक टाइम हो सकता है रोक सकता है इसको, क्योंकि ये जो लेवल है ये लास्ट उम्मीद होगी बुल्स के लिए, ये लास्ट उम्मीद होगी बुल्स के लिए जो एक बार मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा सकती है। अब बात करते हैं जो मंडे के लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं, तो रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले यहाँ पे जो चार्ट में यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस मार्क करेंगे तो उसको हम लोग इस तरीके से मार्क करके चल सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा नीचे रहेंगे और लेवल्स को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फॉलो करने के लिए एक हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच दी है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस निकल के आता है 52,580 से लेकर 52,350 के लेवल, जो कि बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो सकता है, तो इसको हम लोग रडार में रख के चलेंगे। इसके बीच में अगर जाता है तो खरीदारी से हमें को बचना है। अब हम लोग आते हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर जहां पे हो सकता है ब्रेकआउट या फिर वहां पे हो सकता है अच्छी खासी सेलिंग में अपॉर्चुनिटी। तो वीडियो को थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि वीडियो हम लोग कर रहे हैं आज वीकली एनालिसिस, काफी लंबे टाइम बाद वीडियो आ भी रहा है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, कुछ ना कुछ सीखने को आपको जरूर मिलेगा। और अगर नए वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है अपने को तो प्लीज वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा, ताकि इसी तरीके का यूजफुल कंटेंट हम लोग आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर कर पाए। अब बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में। अगर मैं रिलायंस की बात करता हूं तो रिलायंस में अभी जैसा कि अभी पता है लास्ट टाइम अपने को 28 अक्टूबर को स्प्लिट अपने को देखने को मिला था, जहां पे 2:1 में स्प्लिट देखने को मिला था। तो अभी जो प्राइस का एडजस्टमेंट देखने को मिला है वो हुआ है 1338 के आसपास और एक सपोर्ट के आसपास अभी भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर पाएगा। अभी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं तो जब तक 1320 के लेवल को रिलायंस ब्रेक नहीं करता मुझे लगता है इसमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जब ये ब्रेक करेगा तो इसमें एक अच्छे खासे डाउनफॉल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से गैप अप होता है, फिर अगर यहाँ से गैप अप देखने को मिलता है तो अपने को 1375 से लेकर 1362-1365 के लेवल को ध्यान रख के चलना है। इसके बीच में हम लोग एक टाइम थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के लिए एक ट्रेड में हम लोग पोजिशन बना सकते हैं, जहां पे एक अच्छा खासा अपने को डाउनफॉल की ट्रेड में अपने को प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा इंट्राडे वाइज या फिर थोड़ा सा पोजिशनल भी। तो इसको हम लोग को रडार में रख के चलना है आने वाले टाइम के लिए। अब बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। IDFC फर्स्ट बैंक की अगर मैं बात करता हूं तो जैसा कि हमने ट्विटर पे कुछ क्वेरी के लिए हमने लिंक डाला था तो उसपे किन्हीं लोगों ने कमेंट किया है कि IDFC फर्स्ट बैंक का व्यू जानना है। अब IDFC फर्स्ट बैंक की अगर मैं बात करता हूं तो IDFC फर्स्ट बैंक ने क्या किया है, एक बहुत ही बड़े रेंज को ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया और ये जो कि फ्राइडे जो मुहूर्त ट्रेडिंग थी उसमें इसने थोड़ा सा छोटा सा कैंडल बनाया, तो उस कैंडल को एक घंटे की कैंडल को हम लोग उस तरीके से हम लोग जज नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो क्लोजिंग देखने को मिली है 67 के आसपास, सपोर्ट अभी के अकॉर्डिंग जो निकल के आता है वो 65 का होने वाला है। अगर ये 65 के लेवल को ब्रेक करता है तो आसपास कुछ भी सपोर्ट नजर नहीं आता। एक बार हम लोग अगर इसका डेप्थ एनालिसिस करने जाए तो मुझे जो नजर आता है जो इसका मंथली का डिमांड जो होने वाला है उसका रेंज निकल के आता है 55 से लेकर 52 का रेंज। मुझे लगता है इसके रेंज में इसकी गिरावट हो सकती है, थम सकती है, तो थोड़ा सा मैं वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने पोजीशन बना रखा है मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा स्टॉप लॉस बंधा है वो 65 का होगा। अगर 65 का यहाँ पे लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे आराम से 55 के लेवल भी देखने को मिल जाएंगे अपने को IDFC फर्स्ट बैंक में, और यहाँ पे अपने पे यहाँ पे आने पे हम लोग 51 के स्टॉप लॉस के साथ में थोड़ी सी खरीदारी के साथ में जा सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर।
अब बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा में बात कर रहे हैं तो जैसा कि हमने देखा सारे पीएसयू बैंक में एक अच्छी खासी रिजल्ट देखने को मिले हैं, जिसके बेसिस पे सारे पीएसयू बैंक में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है कुछ दिनों के अंदर, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया है। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 253 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। वीकली पे ट्रेंड अपने को अप नजर आता है, जब तक ये 233-32 के लेवल को ब्रेक ना करे अपने को प्रॉपर तरीके से बियरिश नहीं होना है। और एक अगर मैं बात करता हूं इसके टारगेट की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो टारगेट निकल के आना चाहिए, क्योंकि ऊपर सब कुछ गार्बेज है। जो पहला टारगेट होगा वो होगा 260 का, उसके बाद देखेंगे तो 268 से लेकर 270 और हो सकता है अपने को आने वाले टाइम में 280 के लेवल भी दिखा जाए। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने को मार्केट का सपोर्ट मिला। तो बाइंग के साथ में मैं यही मेरी सलाह है कि अगर आप बाइंग के साथ में जाते हैं तो थोड़ा सा सचेत होकर ट्रेड कीजिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, क्योंकि अभी मार्केट फंसाने वाली लग रही है और हो सकता है कि अपने को एक ऐसा दिन देखने को मिल जाए जहां पे बहुत अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल जाए और उसी दिन आपको सारा कैपिटल वाइप आउट होता हुआ दिख जाए। तो ये ऐसी मेरी स्टडी है, ऐसा मेरे कोई सलाह नहीं है कि आपको मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग बाय करना है या फिर सेल करना है। लेकिन हाँ, अपने कैपिटल को बचा के रखिए, क्योंकि मार्केट में और भी अच्छे खासे लोअर लेवल देखने को मिल जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर। अब बात करते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। इंडसइंड बैंक ने जैसा कि ये सपोर्ट था, आखिरी रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट 20% का लोअर सर्किट देखने को मिला। उसके बाद इसकी एंट्री देखने को मिली थी अपने को मंथली के डिमांड जोन के अंदर। अब मंथली के डिमांड जोन से इसमें थोड़ी सी रिकवरी भी देखने को मिली, क्योंकि जहां पे इसने लो लगाया था 1018 के आसपास का, वहीं से इसने हाई भी लगा दिया, उसी डिमांड जोन से इसने अपना हाई भी लगा दिया 1070 के आसपास है, तो उस डिमांड जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि अब यहां से गिरावट कुछ दिनों के लिए थमती हुई दिख सकती है, थोड़ा सा डाउन थोड़ा सा अप, मतलब कंसोलिडेट का पीरियड यहां पे होता हुआ दिख जाएगा यहां पे इंडसइंड बैंक में। तो थोड़ा सा सचेत होकर ट्रेड कीजिए, लेकिन अब इसके अंदर ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे इंटर डिवाइस हम लोग खरीदारी के साथ, फिर थोड़ा सा ऊपर जाए तो रेजिस्टेंस के पास वीक वाले के साथ हम लोग जा सकते हैं। और जब तक ये 980-85 के लेवल को ब्रेक ना करे अपने को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अच्छे खासे डिमांड जोन में आ चुका है। अब बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। अगर मैं टाटा पावर की बात करता हूं तो याद होगा जब ये यहां के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था तो हमने बोला था कि मार्केट में अगर करेक्शन देखने को मिलेगा तो हम लोग इस डिमांड जोन को ट्रेड नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग इस डिमांड जोन को ट्रेड करेंगे। वीडियो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, पिछली वीडियो जब टाटा पावर पे बनाई थी हमने, प्रॉपर इस डिमांड जोन के अंदर इसकी एंट्री हुई है और एंट्री के बाद क्या गजब की इसमें रिकवरी देखने को मिली है। अब जो क्लोजिंग देखने को मिली है 445 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे पेंडिंग है जो कि 452 से 453 से लेकर 465 470 के बीच में है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा खरीदारी के साथ में थोड़ा सा सचेत होकर जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ से दोबारा से सेल्स एक्टिव होते हुए दिख जाए। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर ये नहीं पता कि डिमांड जोन क्या होते हैं, सप्लाई जोन क्या होते हैं, कैसे हमें ऑप्शन बाइंग करनी है, कहाँ पे ऑप्शन करनी है सेलिंग, और किस तरीके से डिमांड या फिर सप्लाई वर्क करते हैं, तो हमारी अपकमिंग कोर्स जो कि 11th of November से स्टार्ट होने वाली है, अगर आपको सच में कुछ मार्केट से रिलेटेड कुछ भी सीखना है तो आप हमारे अपकमिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं दिवाली ऑफर के अकॉर्डिंग, जहां पे आप लोगों को सिर्फ 8,000 पे करने हैं, जहां पे अपने को 2 स्टूडेंट के प्रीमियम ग्रुप में आपको एड ऑन किया जाएगा, जहां पे जो भी जो उसके अंदर वैलिडिटी होती है वो अपनी लाइफ टाइम की होती है। ऑप्शन मैं अगर कुछ दो ग्रुप की बात करता हूं तो एक अपना होने वाला है इक्विटी ग्रुप और एक होने वाला है अपना ऑप्शन का ग्रुप, जो कि लाइफ टाइम के लिए, मतलब अगर आपने एक बार पे किया तो आपकी जो भी मेंबरशिप है वो उस ग्रुप के अंदर आपकी लाइफ टाइम रहने वाली है। साथ में आपको मिलता है 6th month का प्राइम मेंबरशिप, जो कि आपको हमारे व्हाट्सएप पे, जैसे आपने कॉल देखा होगा टेलीग्राम के अंदर जो हम लोग पोस्ट करते हैं, तो उस तरीके से आपको 6th month का व्हाट्सएप पे अपने को प्राइम मेंबरशिप में आपकी एंट्री मिलती है। मतलब 8,000 पे करने पे 6 month की प्राइम मेंबरशिप प्लस स्टूडेंट ग्रुप के अंदर, जो कि 2 ग्रुप है उसके अंदर लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है और साथ में क्लास, उसके बाद रिकॉर्डिंग और लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है। तो सच में अगर आपको सीखना है तो आप हमारे अपकमिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, 11th of November से स्टार्ट होने वाला है। क्लासेस की अगर टाइमिंग की बात करें तो 8:30 से 9:30 की क्लास होने वाली है, जहां पे उसके बाद 30 मिनट्स का आपको Q&A सेशन दिया जाएगा, जहां पे जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कुछ लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है, काफी ज्यादा मैसेज आ रहे हैं कोर्स से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, तो उसके लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
हमने अपने व्हाट्सएप का ऑफिशियल व्हाट्सएप का लिंक डाल दिया है, आप लोग वहां पे चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, और वहां से हमारे टीम को आप रीच आउट कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट है कोर्स से रिलेटेड हमारे को आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि जो भी आपके डाउट है हम लोग क्लियर कर पाए। अब बात करते हैं वाले हैं इन्फी के बारे में। इन्फी की बात करते हैं तो आपको ध्यान होगा जब लास्ट टाइम वीडियो बनाया था हमने, तो यहाँ के आसपास इन तीन चार कैंडल के बाद हमने बोला था कि जब ये तोड़ेगा तो अपने को ध्यान रखना है, एक अच्छा खासा अपने को डाउनसाइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या गजब की अपने को डाउन ट्रेड के यहाँ पे मूव देखने को मिले हैं, और इसका एग्जाम्पल होगा जब हमने टेलीग्राम में आपके साथ शेयर किया था, जो हमने इन्फी का पुट दिया था 74-73 के आसपास, उसने हाई लगाया 154 के आसपास का, मतलब ऑलमोस्ट पैसा डबल से भी ज्यादा। तो इसी तरीके कंटेंट के लिए आप हमारे अपकमिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाल दिया है, और साथ में हमारे जो बैकअप प्लेटफॉर्म है जैसे हो गया व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल या फिर ट्विटर हैंडल, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। अब बात करते हैं इन्फी में क्या सपोर्ट बनता है। अभी एक छोटे मोटे सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सपोर्ट की बात करते हैं तो वो जो लेवल निकल के आते हैं वो होगा 1750 से लेकर 1720 का रेंज, और इस बीच में थोड़ा सा मुझे लगता है कि कंसोलिडेट होना चाहिए, और उसके बाद हो सकता है कि मार्केट का सपोर्ट लेकर थोड़ा सा ऊपर जाए। लेकिन अगर यहाँ पे दोबारा से अपने को 1840-1850-65 के आसपास मौका मिले तो दोबारा से हम लोग बिकवाली के लिए सोच सकते हैं, जहां पे अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न अपने को डाउनसाइड के ट्रेड में देखने को मिल जाए। बात करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में, जहां पे हमने महुजा ट्रेडिंग में जो हमने ट्रेड इनिशिएट किया था 115 के आसपास, उसने हाई लगाया था 122 के आसपास का, लेकिन फिर बाद में कुछ लोग बुक नहीं कर पाए और कुछ लोगों के लिए होल्ड कर लिया, और लास्ट में थोड़ा सा प्राइस ऊपर गई और उसके बाद दोबारा से नीचे आई, उस केस में क्या हुआ थोड़ा सा अपना हो गया प्रीमियम डीके। उनके लिए अगर मैं बात करता हूँ स्टॉप लॉस की, तो सबसे बड़ी बात है अपने को स्टॉप लॉस रख के चलना है यहाँ पे सीधा 2842-45 का 5 मिनट के क्लोजिंग के साथ, बिल्कुल सोचना नहीं है। अगर वो स्टॉप लॉस होता है तो स्टॉप लॉस ले लेना है, ठीक है, क्योंकि और भी अपने को मौके मिलते रहेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस अपने को लेके चलना है, क्योंकि एक ऐसा टाइम आएगा आपको अच्छे खासे रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तो वहां पर अपने को हो सकता है कि अपने को अच्छा खासा अपने को देना पड़ जाए मार्केट में। अब मैं बात करूंगा कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। कोटक महिंद्रा बैंक मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े यहाँ पे क्रैश की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 1744 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, और ये जो मैंने एरिया मार्क किया है, ये एरिया अपना जो होने वाला है वो होगा 1820 से लेकर 1775-1780 का रेंज। इसके बीच में मुझे लगता है कि थोड़ा सा जब इस रेंज में थोड़ा सा अपसाइड जाए और यहाँ पे जाके थोड़ा सा भी अपने को बेरिश सेंटिमेंट देखने को मिले, तो डेफिनेटली अपने को बेरिश साइड में एक पोजीशन बनाना चाहिए, या फिर एक बहुत बड़ा न्यूज हो जाए, कुछ भी हो जाए ऐसा, अपने को मौका मिल जाए अगर सीधा 1850 या फिर 1870 के बीच में सेलिंग ढूंढने का अपॉर्चुनिटी, तो डेफिनेटली यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब यहां से सेलिंग आएगी तो कुछ भी नहीं रोकने के लिए। सेम निफ्टी, सेम बैंक निफ्टी और सेम कोटक महिंद्रा बैंक में भी वही स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जहां इसने 1700 के लेवल को तोड़ा उसके बाद आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खासा अपने को फॉल देखने को मिलेगा, जहां पे सीधा अपने को 1650 हो सकता है 1610 और आने वाले टाइम में अपने को 1550 के लेवल भी देखने को मिल जाएंगे। अब बात करने वाले हैं गुजरात गैस के बारे में। अगर मैं गुजरात गैस की बात करता हूं तो यहां पे क्लियरली हमने बोला था कि जब ये तोड़ेगा अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, और इसके बाद हमने यहाँ पे हमने इस कैंडल के आसपास हमने एक ट्रेड भी जनरेट की थी जो कि फॉल में थी, और वहां पे ऑलमोस्ट 2 पॉइंट के आसपास जो स्टॉप लॉस हमने लेके एग्जिट करवा दिया था, और यहाँ पे अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है। और जो हमने इस प्रकार की जो हमने स्ट्रक्चर बताया ये समझने में काफी आपको आसानी होगी, इसी टाइप का स्ट्रक्चर अभी कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिला, इसी टाइप का स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर। तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर अगर इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है तो आने वाले टाइम में इसी टाइप का क्रैश अपने को देखने को मिल सकता है इंडियन मार्केट में। निफ्टी की बात करें, कोटक महिंद्रा की बात करें, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टॉक है उनकी बात करें, क्योंकि आसपास कुछ भी सपोर्ट नजर नहीं आते, तो थोड़ा सा सचेत होकर ट्रेड करना है। अब बात करेंगे गुजरात गैस में बाइंग कैसे करनी है या फिर सपोर्ट क्या बनता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा और क्रैश यहाँ पे कंटिन्यू देखने को मिलता है तो सीधा 500 से लेकर 490 के बीच में एक बढ़िया सपोर्ट नजर आता है, और सीधा इस लेवल पे आते ही अपने को बाइंग नहीं करनी है, थोड़ा सा अपने को कंसोलिडेट होने देना है,
एक रेंज बनने देना है, और रेंज बनने के बाद अगर कोई ब्रेकआउट देता है तो आप लोग 490 485 के स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग बाइंग के साथ में जा सकते हैं। अब बात करने वाले हैं आईओसी के बारे में। आईओसी में जो हमने लास्ट टाइम यहाँ पे आसपास जब ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, जब लास्ट टाइम ने वीडियो शेयर किया था तो हमने बोला था कि जब ये लेवल अभी तक रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है लेकिन ये टूटा तो अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था और मिलेगा, और यहाँ पे अपने को देखने को मिली है अच्छी खासी क्लोजिंग मतलब ब्रेकडाउन, और उसके बाद कंटिन्यू अपने को फॉल देखने को मिली है। अब यहाँ पे देखें तो एक सपोर्ट के आसपास रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है, जहां पे एक मंथली का सपोर्ट है, मंथली का ईएमए, वीकली का ऑलमोस्ट छोटा सा डिमांड जोन, और यहाँ पे डेली का भी विदाउट बेस का डिमांड जोन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 145 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात है सपोर्ट, 137 का लेवल एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आ सकता है। हम लोग इंट्राडे बाय जा सकते हैं, जहां पे अपने को शॉर्ट टर्म में आराम से 448, 452 और हो सकता है 460 के लेवल भी देखने को मिल जाए। तो सीधा लपकना नहीं है, अपने को थोड़ा सा रेंज बनने का वेट करना है, और अगर ब्रेकआउट हो तभी जाना है बाइंग के साथ में, अदरवाइज इग्नोर करना है। अब बात करने वाले हैं एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी की बात करें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे क्लोजिंग की बात करते हैं तो 411 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अब मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो 416 417 का एक बढ़िया रेजिस्टेंस अभी के अकॉर्डिंग साबित हो सकता है, और जब तक इसको ब्रेक नहीं करता अपसाइड में, मुझे लगता है कि एक अच्छे खासे डाउनफॉल का यहाँ पे कैंडिडेट बन सकता है एनटीपीसी का काउंटर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो सबसे बड़ी बात है कि जब ये 409 के लेवल को या फिर 410 के लेवल को मंडे के डे में या फिर ट्यूजडे में ब्रेक करके सस्टेन करना है स्टार्ट कर जाए तो अपने को 417 का लगाना है स्टॉप लॉस, और एक अच्छे खासा डाउन ट्रेंड के लिए हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। जहां पे हम लोग बात करें टारगेट की तो मुझे लगता है कि पहला टारगेट होगा 404 से लेकर 403 का, और उसके बाद 403 का लो ब्रेक करने के बाद हम लोग देखेंगे 398 से लेकर सीधा 390 के भी लोअर लेवल देखने को मिलेंगे एनटीपीसी में, तो इसको रडार में पे चलना है। अब बात करने वाले हैं एवीजी लॉजिस्टिक लिमिटेड के बारे में। जिन्होंने किसी कोई ऐसे मेंबर थे जिन्होंने ट्विटर पे कमेंट किया था कि उन्होंने ऑल टाइम हाई पे बाय कर रखा है, अब उनका जो व्यू था कि अब क्या करना चाहिए, एवरेज करें या फिर बाइंग करके चलें या फिर होल्ड करें या फिर सेल कर दें। अभी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं 505 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, और अगर इन्होंने रिसेंट हाई के आसपास बाय किया है मतलब 650 के आसपास बाय किया है तो वहां से ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं 150 पॉइंट यहां पे डाउन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं वीकली पे आता हूं तो चार्ट मुझे अभी पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखा रहा है। अगर मैं यहां पे देखता हूं 430 का जो एक लेवल है वो ठीक ठाक सपोर्ट है, अगर ब्रेक नहीं करता तो अपने को हो सकता है यहां पे आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाए। लेकिन अगर यहाँ पे मंथली पे आते हैं तो एक सपोर्ट निकल के आता है 410 का, लेकिन अगर ये 410 के लेवल को ब्रेक करने में सस्टेन हो जाता है, अगर 410 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर जाता है तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे फॉल देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे डेली बेसिस पे तो सबसे बड़ी बात है कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आप लोग और होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि अभी मैं देखूं तो सबसे बड़ी बात है मार्केट का सपोर्ट करना। स्टॉक अभी ये अप ट्रेंड में है, चाहे मैं वीकली की बात करता हूं या फिर बात करता हूं डेली की, स्टॉक अपसाइड जाने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है मार्केट का सपोर्ट करना। अब मैं अगर देखता हूं शॉर्ट टर्म के लिए जिनको ज्यादा रिस्क लेना ही नहीं है, उनके लिए जो सपोर्ट लेवल बनता है वो होने वाला है 430 का लेवल। अगर 430 का लेवल ब्रेक कर जाए मुझे लगता है कि एग्जिट कर जाना चाहिए। बात करें रेजिस्टेंस के लिए तो रेजिस्टेंस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 540 से लेकर 550 का एक बढ़िया रेजिस्टेंस है, 550 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए लगातार दो दिन। अगर दो दिन यहाँ पे 550 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर जाता है यहाँ पे एवीजी, तो अपने को आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा खासा अपसाइड का पोटेंशियल देखने को मिल जाएगा, तो इसको भी हम लोग इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा के बारे में। टेक महिंद्रा की बात करने से पहले इन्फी के बारे में बताया, जब इन्फी की मैंने बताया था आपको वीडियो में कि इस तरीके से ब्रेकडाउन हो सकता है, उसी तरीके से मैंने लास्ट टाइम आपको एससीएल टेक के बारे में बताया था। अब एससीएल टेक में बताया था, आपको ध्यान होगा वीडियो के बारे में जब हमने शेयर किया था, जब ये कैंडल अपने को क्लोज देखने को मिली थी कि इसने एक रेंज का ब्रेकडाउन किया है, जब भी बाइंग के साइड जाना है तो इसको ऊपर जाना है, और इसके नीचे अगर ये तोड़ता है तो अपने को अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, और आप लोग लास्ट के दो दिनों में देख सकते हैं कितना अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उनको पता होगा किस तरीके से लेवल वर्क करते हैं, और प्रॉपर जैसे बताया था वैसे यहां देखने को मिला है। तो इसीलिए बोलता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट कर दो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि इसी तरीके के यूजफुल कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं। तो अब बात करते हैं
टेक महिंद्रा के बारे में। टेक महिंद्रा की अगर मैं बात करता हूँ तो टेक महिंद्रा बार बार यहाँ पे नीचे आके और इसी को सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता हुआ ऊपर जा रहा है, लेकिन ये सपोर्ट अब धीरे धीरे वीक होता हुआ जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है 1570 का जो लेवल है वो अभी भी सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन ध्यान रखना है अपने को 1570 के लेवल को ब्रेक करके जब ये सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो सेम अपने को इन्फी और एससीएल जैसे जो स्टॉक में अपने को ब्रेकडाउन देखने को मिलेंगे उसी तरीके के ब्रेकडाउन अपने को देखने को मिलेंगे, क्योंकि आसपास अच्छे खासे डिमांड जो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो जैसे ये 1570 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करेगा टेक महिंद्रा, यहाँ पे सीधा 1510 से लेकर 1500 के लोअर लेवल देखने को मिलेंगे जो कि लोअर लेवल का पहला टारगेट साबित हो सकता है। फिर यहां से हम लोग देखेंगे 1470 और हो सकता है आने वाले टाइम में अपने को सीधा 1400 के लेवल भी दिखाता हुआ मिल जाए टेक महिंद्रा, लेकिन सबसे बड़ा कंडीशन है यहीं से अपने को बेरिश नहीं हो जाना है, 1570 के लेवल को ब्रेक करने का वेट करना है। अब इसी के सेक्टर से हम लोग बात करने वाले हैं OFFS के बारे में, जहां पे हम लोग देखेंगे क्लोजिंग की बात करते हैं तो 10822 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, एक रेंज में फंसा हुआ है। अब यहाँ पे देखें तो एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि अगर सपोर्ट की बात करता हूं तो ये निकल के आता है 10650 या फिर 10660 का लेवल। जैसे इसको ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट करेगा इसके अंदर और भी अच्छे खासे फॉल देखने को मिल जाएंगे, तो इसको हम रडार में रखकर चलेंगे। ब्रेकआउट के लिए अपने को अभी नहीं जाना चाहिए, किसी की न्यूज की वजह से भले ही इसके अंदर एक बड़ा गैप अप देखने को मिल जाए, लेकिन अगर ऐसे हम लोग देखें तो चार्ट मुझे ऐसा लगता है कि डाउन ट्रेंड में जाने के लिए रेडी हो चुका है, तो थोड़ा सा सचेत होकर ट्रेड करना है। अब बात करेंगे अपने फार्मा स्टॉक के बारे में। कुछ फार्मा के स्टॉक ऐसे हैं जो कि ऐसा लगता है कि यहां से अच्छा खासा पोटेंशियल दिखाने के लिए रेडी हो रहे हैं, अपसाइड का पोटेंशियल। तो मार्केट का सपोर्ट करना तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ग्लेनमार्क फार्मा की अगर मैं बात करता हूं तो ऐसा लगता है कि यहां पे 1650 के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट बनाता हुआ नजर आता है। अब यहां पे एक बढ़िया यहां पे सेंटिमेंट देखने को मिल रहे हैं, तो अगर मैं यहां पे देखता हूं तो अभी के अकॉर्डिंग जो अभी सपोर्ट निकल के आता है वो होगा 1660 से लेकर 1650 का एक बढ़िया सपोर्ट होने वाला है, और यहां पे अगर अपसाइड के टारगेट की बात करते हैं तो वो निकल के आता है 1720 से लेकर 1725 का पहला टारगेट होगा, और जैसे ही 1725 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा यहां पे ऊपर के टारगेट जो देखने को मिलेंगे वो होंगे 1745 से लेकर 1750 1760 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो इसको रडार में रखते चलेंगे आने वाले दिनों के लिए। अब बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में जो कि निकल के आता है लुपिन का काउंटर। लुपिन की अगर मैं बात करता हूं तो लुपिन भी यहां पे अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड की तरफ, क्योंकि एक अच्छा खासा सपोर्ट यहां पे बनता हुआ दिख रहा है चार्ट पे, जो कि लेवल होने वाला है 2150 का। 2150 के लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करता तो अपने को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे हम लोग देखेंगे कोई भी नीचे का अपने को डाउन ट्रेंड देखने को मिला तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ खरीदारी के साथ में जाना है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही सस्टेन करना स्टार्ट करेंगे 2215 2218 के ऊपर एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट का कैंडिडेट बन सकता है, जहां पे ऊपर के जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो पहला टारगेट होगा 2230 से 2240 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद देखेंगे 2270 और हो सकता है आने वाले टाइम में अपने को 2300 प्लस के भी लेवल दिखाता हुआ मिल जाए लुपिन, तो इसको भी रडार में रख के चल सकते हैं। अब बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि कैश की कैटेगरी में आता है, नाम होने वाला है NIIT लिमिटेड। यहाँ पे लास्ट के हम लोग मोहरे ट्रेडिंग की बात करते हैं तो अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे ट्रेड देखने को मिली, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ अपने परसेंटेज में तो लगभग 7% का यहाँ पे अपर मूवमेंट देखने को मिला। अब लेवल की बात करते हैं तो 165 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सडन डिप देखने को मिलता है अपने को 158 या फिर 157 के आसपास का, इस बीच में अपने को खरीदारी करना बेस्ट होगा। जहां पे स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो 152 का स्टॉप लॉस होने वाला है एटलीस्ट 15 मिनट की क्लोजिंग बेसिस पे। जहां पे मैं अगर टारगेट की बात करता हूं तो मुझे जो पहला टारगेट नजर आता है वो होगा 470 का, उस पर 475 से लेकर 480 का सेकंड टारगेट साबित हो सकता है, उसके बाद देखेंगे अगर कंटिन्यू रहती है रैली तो यहां पे 190 से लेकर सीधा 200 के लेवल भी देखने को मिल जाएंगे, मतलब जो पहला टारगेट होगा 170, उसके बाद देखेंगे 75 से लेकर 180 और उसके बाद देखेंगे तो सीधा 190 से लेकर 200 के लेवल भी देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा अगर डिप में मिले तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है थोड़ा सा फेवरेबल हो जाए। अब बात करने वाले हैं छोटे से डिस्क्लेमर के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग सेलिंग करने की सोच रहे हो तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है, किसी के बोलने पर पैसे नहीं लगाने हैं। जब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको अलाउ नहीं करता, जब तक आपको ये नहीं पता चलता कि अगर इस स्टॉक के अंदर या फिर इस ट्रेड के अंदर अगर स्टॉप लॉस होता है तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है, आपके कैपिटल में से कितना बड़ा हिस्सा यहां से वाइप आउट हो सकता है, उससे पहले किसी भी ट्रेड में कोई भी पोजीशन ना बनाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर
पोजीशन बनाने से आपके कैपिटल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जा सकता है, तो वैसे ट्रेड को इग्नोर करना ही बेटर होगा। और एक बार खुद की रिसर्च करें, और इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग की मेरी कोई सलाह नहीं है, ये मेरी खुद की रिसर्च है और मैं अपने नॉलेज बेस पे जस्ट मैं वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि निकल गया था है मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड के बारे में, जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा खासा कैंडिडेट बन सकता है ब्रेकआउट का। अगर मार्केट यहां से थोड़ा सा भी अपसाइड का मूवमेंट दिखाती है तो एक यहां पे एक बहुत अच्छी खासी रैली देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं क्लोजिंग की, तो 85 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, बढ़िया सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा है 77-75 के आसपास का। ऊपर देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है रोकने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे सीधा मार्केट ने थोड़ा सा भी सपोर्ट किया, पहला टारगेट होगा 87 से लेकर 91 का पहला टारगेट, उसके बाद देखेंगे तो सीधा 97 से लेकर 100 का सेकंड टारगेट, और हो सकता है यहाँ पे 106 से लेकर 110 के भी लेवल देखने को मिल जाए। बात करने वाले हैं अगले ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में, जो कि निकल के आता है ब्लिस जीवीएस फार्मा लिमिटेड। तो जैसा कि हमने अभी बात किया था ग्लेनमार्क फार्मा या फिर बात किया था हमने लूपिंग के बारे में, तो वहीं पे निकल के आता है ब्लिस जीवीएस फार्मा। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 127 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात है 128-29 के ऊपर सस्टेन करना। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 122 के स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग जा सकते हैं खरीदारी के साथ में, जहां पे ऊपर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो होगा 132 का पहला टारगेट, उसके बाद देखेंगे 135 से 138 का सेकंड टारगेट, और उसके बाद देखेंगे तो लगभग 142 और 45 के भी लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो इसको रडार में रख के हम लोग चल सकते हैं। अब बात करने वाले हैं आखिरी स्टॉक के बारे में। आखिरी स्टॉक जो अपना निकल के आता है वो होने वाला है सकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के बारे में, जहां पे हम लोग देखेंगे तो ये भी इन्होंने ट्विटर पे कमेंट किया था कि इसका व्यू जानना है उनको। तो सबसे बड़ी बात है ये है पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक की अगर मैं बात करता हूं, एक अच्छे टाइम से इसका रिसेंट हाई देखने को मिला था, जो कि 10.30 रुपए के आसपास जो इसका हाई था, वहां से करेक्ट होकर लगभग 4.22 रुपए के आसपास आ चुका है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ऑलमोस्ट आधा से भी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कंपनी ऐसी कि जो कि यहाँ पे स्प्लिट भी करती है, जहां पे 9 अगस्त को अपने को स्प्लिट देखने को मिला था, तो मतलब अच्छा खासा अपने को क्वांटिटी में जिन्होंने बाय किया होगा उनको मिल चुका होगा। तो अभी देखूं तो मंथली का एक बढ़िया सपोर्ट जो मुझे नजर आता है वो होने वाला है 3.40 रुपए से लेकर 2.90 रुपए के बीच में। इसके बीच में हम लोग खरीदारी के साथ में जा सकते हैं, या फिर जिन्होंने बना रखा है पोजिशन उनको एक बार इस लेवल पे हम लोग खरीदारी के साथ में जा सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस उस केस में होगा वो होगा 2.90 रुपए या फिर 2.80 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने पोजीशन बना रखा है और अगर लॉन्ग व्यू है तो पहली बात तो यह है कि ये है अपना पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक का मतलब ये होता है या तो आर या तो पार, तो ऐसे स्टॉक के अंदर हम लोग बड़ी पोजिशन ना बनाए तो बेटर होगा, क्योंकि ऐसे स्टॉक में पैसे वही लगाने चाहिए जो अगर चले भी जाए तो अपने को कोई गम ना हो, और लंबे टाइम के लिए लगाने चाहिए, क्योंकि अगर ये मल्टीबैगर बनता भी है तो अपने को लंबे टाइम में देखा, क्योंकि पेनी स्टॉक का मतलब ये नहीं होता कि हमने आज खरीदा और कल होके हम लोग करोड़पति बन चुके हैं, ऐसे बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। तो पेनी स्टॉक है। सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये अपने पास सपोर्ट नजर आता है, और अगर ये 2.90 रुपए या फिर 2.80 रुपए के नीचे अगर फिसलना स्टार्ट करता है तो एक अच्छे खासे करेक्शन के लिए रेडी होगा। बाकी इसके अंदर अभी भी सपोर्ट बचा हुआ है, अगर कोई लेना भी चाहते हैं तो इस लेवल का यहाँ पर वेट करके चल सकते हैं। तो गाइस ये थी अपनी रिसर्च आने वाले वीक के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो कर देना लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, और आपको अगर लगता है कि हमारी स्टडी अच्छी है और कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करने से कतराना मत। तो गाइस ये थी अपनी रिसर्च, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज।